Hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में हम बात करेंगे ICL के बारे में. ICL जो एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है चश्मा हटाने की, स्पेशली उन लोगों में जिनमें लेजर से चश्मा नहीं हटाया जा सकता, जैसे कि पुतली पतला होना, या फिर आंखों का नंबर हाई होना, या फिर आंखों में ड्राइनेस होना, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन जैसे केराटोकोनस हो गया. ऐसी सिचुएशंस में लेजर से चश्मा नहीं हटाया जा सकता और उन लोगों में ICL का प्रयोग होता है. तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको अगर आप ICL सर्जरी प्लान कर रहे हैं, ICL काम कैसे करता है, इसके क्या फ़ायदे, नुकसान, रिस्क, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में. तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आँख में चश्मे का नंबर क्यों आता है और कैसे ICL इस चश्मे के नंबर को ठीक करता है. तो उसके लिए ज़रा इस मॉडल पर ध्यान दीजिए. देखिए, ये एक आई का मॉडल है. आपकी आंख में तीन मेन चीज़ें होती हैं. सबसे पहले आता है कॉर्निया, जिसको हम कहते हैं काली पुतली. उसके बाद आंख के अंदर आता है एक लेंस और उसके बाद आंख के अंदर आता है एक पर्दा. लाइट यहाँ से आती है, पुतली और लेंस से होते हुए पर्दे पे पड़ती है और पर्दे से एक नस निकलती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो आपके दिमाग से कनेक्ट होती है और आप देख पाते हैं. जब भी किसी इंसान में चश्मे का नंबर आता है तो उनकी आंख पीछे से साइज में बड़ी हो जाती है, आगे से नहीं दिखता. तो अगर एक नंबर आए तो आंख यहाँ पहुँच गई, दो आए तो यहाँ पहुँच गई, तीन आए तो यहाँ पहुँच गई, चार आए तो यहाँ पहुँच गई, पांच आए तो यहाँ पहुँच गई. इस तरह से आंख पीछे से बड़ी होती रहती है. लेकिन नेचर ने कॉर्निया और लेंस को डिज़ाइन करा है कि वो फोकस यहीं कर सकता है. आंख यहाँ पहुँच गई, फोकस यहाँ रह गया, तो ये आउट ऑफ फोकस हो गया. तो आपको एक चश्मा चाहिए इस फोकस को यहाँ से उठा के यहाँ लाने के लिए. ये तो तब होता है जब किसी भी इंसान की आंख में चश्मे का नंबर होता है. अब लेजर से हम क्या करते हैं कि जो आंख की पुतली होती है इसको लेजर से तराश कर इसका घुमाव चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से आंख के अंदर जो लाइट एंटर हो रही है वो अब यहां फोकस होने की बजाय यहां फोकस होना शुरू हो जाती है, जिससे आपके चश्मे का नंबर हट जाता है. लेकिन अगर कुछ इस तरह की स्थिति हो कि लेजर नहीं हो सकता, मतलब हम काली पुतली को नहीं छेड़ सकते, तो फिर हम ICL का प्रयोग करते हैं. तो ICL एक बहुत ही पतला सा लेंस होता है. ICL की फुल फॉर्म होती है इम्प्लांटेबल कोलामर लेंस. कोलामर एक तरह का मटेरियल है जो बायो कंपैटिबल है, मतलब अगर इस मटेरियल को आंख में डाल दिया गया तो आंख में कोई रिएक्शन नहीं करता. उस मटेरियल का ये ICL बना होता है और इस ICL को आपके लेंस और काली पुतली के बीच में कुछ इस तरह से इम्प्लांट कर दिया जाता है. तो अगर आप ये वीडियो भी देखें तो ये एक ICL है जिसको हम रोल करके, फोल्ड करके आंखों के अंदर खिसका देते हैं और फिर काली पुतली के पीछे टक इन करके इसको फिक्स कर देते हैं. तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ICL टेक्नोलॉजी कितनी सेफ है. देखिए, ICL टेक्नोलॉजी को USFDA से मान्यता प्राप्त है. USFDA मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो ये बताती है कि कौन सा प्रोसीजर करना आंखों के लिए सेफ रहेगा, उसने ICL को अप्रूव करा है या मान्यता दी है. और टेक्निकली देखा जाए तो ICL लेजर से बेटर टेक्नोलॉजी है. क्यों? क्योंकि एक तो वो रिवर्सिबल है, एक बारी आंख में ICL डाल दिया तो उसको निकाला जा सकता है. ICL आपकी आंख से कोई टिश्यू नहीं हटाती, लेजर से आपकी आंख में कुछ टिश्यू हटाया जाता है. ICL आपकी आंख को UV प्रोटेक्शन देती है और ICL आपकी आंख में एक HD विजन इफेक्ट लाती है. तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि फिर हर बंदा ICL क्यों नहीं कराता? क्यों सबसे पॉपुलर टेक्निक अभी भी लेसिक है और जिन लोगों में लेसिक नहीं हो सकता सिर्फ वही लोग ICL कराते हैं? इसके दो रीजंस हैं. सबसे पहला रीजन ये है कि ICL की कॉस्ट
लेजर से ऑलमोस्ट डबल या उससे ज्यादा पड़ती है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आईसीएल इंडिया में नहीं बनता, आईसीएल बनता है स्विट्जरलैंड में। तो हमें आंखों के मेजरमेंट्स लेके स्विट्जरलैंड भेजना पड़ता है और वहां पे आईसीएल करीब 20 से 25 दिन में बन के कोरियर होके इंडिया वापस आता है। तो इसमें काफी टाइम लग जाता है। और तीसरी बात यह देखी गई है कि 8 नंबर से नीचे आईसीएल और लेजर के रिजल्ट्स, जो क्वालिटी ऑफ विजन है, वो ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो यही रीजन रहता है कि लेजर सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी रहती है और जिन लोगों में लेजर नहीं हो सकता उन लोगों में आईसीएल किया जाता है। अब अगर मैं आईसीएल की सेफ्टी की बात करूं तो काफी जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि आईसीएल डालने से आंख में मोतिया हो जाता है या आईसीएल डालने से आंख में मोतिया जल्दी बन जाता है। जो मोतिया यूजुअली 60-70 साल की उम्र में बनता है वो आईसीएल से 50-55 साल की उम्र में बन सकता है। देखिए, इस बात में कुछ गलत नहीं है। 5 से 10 साल पहले जो आईसीएल बनते थे उन आईसीएल में ये प्रॉब्लम रहती थी कि आईसीएल को डालने की वजह से आंख में मोतिया टाइम से जल्दी बन जाता था। लेकिन जब से नए डिजाइन आए आईसीएल के, जब से V4C डिजाइन आया आईसीएल का, तब से ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई है। लेकिन ये प्रॉब्लम एक टाइप के आईसीएल में खत्म हुई है जिसका नाम है ईवो विजन आईसीएल, जो स्टार कंपनी बनाती है स्विट्जरलैंड में। और यही एक ही टाइप का आईसीएल है जो USFDA से अप्रूव्ड है। देखिए, आजकल हो क्या रहा है कि क्योंकि आईसीएल इतना महंगा पड़ता है इसलिए बहुत सारी इंडियन कंपनीज आ गई हैं जो ऑलमोस्ट 1/10 प्राइस पे आईसीएल देने को रेडी है। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन आईसीएल्स को मत डलवाइएगा। इन आईसीएल्स की कॉम्प्लिकेशन रेट्स काफी हाई होते हैं, इन आईसीएल्स पे प्रॉपर स्टडी और रिसर्च नहीं हुई है और इन आईसीएल्स को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। मैं सिर्फ एक टाइप का आईसीएल रिकमेंड करता हूँ जिसका नाम है ईवो विजन आईसीएल, जो स्टार कंपनी बनाती है स्विट्जरलैंड में। और यही आईसीएल है जो USFDA से अप्रूव्ड है और पूरी दुनिया में यही आईसीएल को इम्प्लांट किया जाता है। तो अगर मैं आपसे आईसीएल के प्रोसेस की बात करूँ तो ये देखिए, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा रहता है क्योंकि इसमें आईसीएल बाहर से बन के आता है। तो क्या होता है कि जब आप पहले दिन आते हैं तो पहले दिन आपकी आंख के सारे टेस्ट किए जाते हैं, आपकी आंख की प्रॉपर चश्मे का नंबर निकाला जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आईसीएल में जिसको हम कहते हैं ACD, एंटीरियर चेम्बर डेप्थ। वो आपकी आंख की 2.9 मिलीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह के काफ़ी सारे टेस्ट पहले दिन करे जाते हैं और अगले दिन इन टेस्ट को फाइनल किया जाता है। फाइनल करने के बाद हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर निकल के आता है जिस नंबर का आईसीएल हम ऑर्डर करते हैं। सेकेंड डे आपकी आंखों के कुछ मेजरमेंट्स भी लिए जाते हैं, आपकी आंखों का नाप भी लिया जाता है, जिसके हिसाब से आईसीएल आपका स्विट्जरलैंड से बन के आता है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक बारी आईसीएल आपके आंख के नाप के हिसाब से बन गया तो वो आईसीएल सिर्फ आपकी आंख में ही डल सकता है और किसी की आंख में नहीं डल सकता। तो पहले दो दिन आपके सारे टेस्ट होते हैं, आंखों का मेजरमेंट लिया जाता है, हर चीज़ करके आईसीएल को ऑर्डर किया जाता है। फिर आईसीएल को करीब 20 से 25 दिन लगते हैं जब वो स्विट्जरलैंड से बन के कोरियर होके इंडिया आता है। उसके बाद आपको 3 दिन के लिए आना होता है। पहले दिन राइट आई का ऑपरेशन होता है, सेकेंड दिन लेफ्ट आई का ऑपरेशन होता है और थर्ड डे एक फॉलोअप होता है जिसमें देखा जाता है कि आईसीएल प्रॉपरली अपनी जगह पे डल गया है, कुछ आईसीएल में प्रॉब्लम तो नहीं है, हर चीज़ अपनी जगह पे सेट हो गई है। और उसके बाद एक फॉलोअप करीब 25 दिन बाद किया जाता है। आईसीएल की रिकवरी ऑलमोस्ट इमीडिएट होती है, आईसीएल कराने के नेक्स्ट दिन ही आपको प्रॉपरली दिखना शुरू हो जाता है। एक हफ्ते तक कुछ परहेज होते हैं जैसे गले के नीचे नहाना, आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, कोई भी हैवी एक्टिविटी जैसे जिमिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, रनिंग, इन सब से दूर रहना चाहिए एटलीस्ट 2 हफ्ते तक। आँख में कोई मेकअप नहीं करना चाहिए,
पॉल्यूशन, डस्ट, धूप, इन सब से बच के रहना चाहिए एक हफ्ते तक, जितना हो सके एक हफ्ते तक घर के अंदर रहना चाहिए। तो इस टाइप के कुछ बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको लेने होते हैं आईसीएल सर्जरी के बाद। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए, अभी भी सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी लेजर ही है, जिसमें आपका लेसिक, स्माइल और सबसे लेटेस्ट जो है वो कंट्यूरा विजन। 95% लोग लेजर से ही चश्मा हटाते हैं, लेकिन हाँ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनमें लेजर नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आपकी पुतली की मोटाई कम हो, या आपके चश्मे का नंबर ज्यादा हाई हो, या आंखों में ड्राइनेस हो, आंखों में केराटोकोनस हो, या कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से लेजर नहीं हो सकता, तो उन लोगों के लिए सोल्यूशन जो है वो आईसीएल होता है। कुछ लोग आईसीएल का नाम सुन के डर जाते हैं कि आंख में लेंस डाला जाएगा, आंख में एक चीरा लगाया जाएगा, आंख के अंदर लेंस फिट करा जाएगा। देखिए, इन चीज़ों से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आईसीएल एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, पिछले 15 साल से अवेलेबल है और एक बहुत ही सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। तो अगर आप उन 5% में से हैं जिनमें लेज़र नहीं हो सकता, तो आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन अवेलेबल है जो बहुत ही सेफ है, बहुत ही सक्सेसफुल है और पूरे दुनिया में ये सोल्यूशन एक्सेप्टेड है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।